डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। डिजिटल मल्टीमीटर एक डिवाइस है जो कि एक साथ वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है, और ये डिजिटल फॉर्म में आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, इसीलिए इसको हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमें डिजिटल मल्टीमीटर वो पढ़ना है जिसमें कि हमें सिर्फ रेजिस्टेंस और एसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज को मेजर कर सके। तो चलिए देखते हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम, और इसको सिंपल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम, और इसमें हमें क्या क्या मेजर करना है। एक हो गया रेसिस्टेंस पहले पॉइंट पे, इसके बाद आप ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये हो गया आपका एसी वोल्टेज, ये हो गया एसी करंट, ये हो गया डीसी करंट एंड सिमिलरली डीसी वोल्टेज। और ये जो है, जो आपको पॉइंट दिया रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट आपके ये जो नॉब है उसके पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक नंबर पर रेजिस्टेंस है, 2 नंबर पे एसी वोल्टेज है, 3 नंबर पे एसी करंट है, 4 नंबर पे डीसी करंट है एंड 5 नंबर पे डीसी वोल्टेज है। आपको इस नॉब को, यानी कि ये इसका नाम दिया गया है रोटरी स्विच, रोटेट करने वाला स्विच, ये नथिंग बट ये नॉब है मल्टीमीटर का। और इसको समझने के लिए आपको मैं जस्ट नेक्स्ट वाली साइड पर लेके चलता हूँ। ये इसको नॉब बोलते हैं, यानी कि ये रोटरी स्विच है ये पोर्शन। तो ये इसको हमने पॉइंट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बनाया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज है वो रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है, तो इसको हमने पॉइंट नंबर 1 दिया है। यानी कि नॉब को मैं घुमा के, अगर नॉब को मैं ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लेके आऊंगा इस तरीके से, तो मेरा रेसिस्टेंस मेजर होगा। क्लियर? इस तरीके से अगर इस नॉब को अभी जिस पॉइंट पे है उस केस में क्या मेजर होगा, एसी वोल्टेज मेजर होगा। अगर इसको मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आ जाऊं इस यहाँ से यहाँ तक के रेंज में, तो ये क्या होगा, डीसी करंट मेजर करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ इस रेंज में यहाँ पे लेके आ जाऊँ इसको रोटेट करके, तो ये हो जाएगा डीसी वोल्टेज। क्लियरली? उसी तरीके से यहाँ पे डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज को डीसी एसी करंट के लिए आई थिंक सो दिस हैज बीन गिवन, तो इस तरीके से मान लो कि ये एसी करंट का हो गया, तो इसको हम रोटरी स्विच बोल रहे हैं। यानी कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5। रिमेनिंग जो इसमें दिया हुआ है वो हमें इसमें जो अभी ब्लॉक डायग्राम है उसमें नहीं पढ़ना है, यानी कि ट्रांजिस्टर की और ये सब, यानी कि कंट्रोल नॉब को हमने रोटरी स्विच के थ्रू वहां पे दिखा रखा है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट, वापस उस स्लाइड पे समझते हैं ब्लॉक डायग्राम्स को। ओके, तो ये पोर्शन है रोटरी स्विच का। यानी कि अगर मेरा स्विच नंबर 1 पोजिशन पे रहेगा, इट मीन्स दैट आई विल मेजर द रेसिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मेजर करने क्या कर रहे हैं हम, कि एक कांस्टेंट करंट सोर्स अप्लाई कर रहा है, ये जो है वो कांस्टेंट करंट सोर्स है आई, और इसकी वैल्यू मुझे नोन है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू समथिंग 5 mA, 2 mA या समथिंग के आसपास है, और ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा। तो जब ये कांस्टेंट करंट अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा तो कुछ आउटपुट मिल के आएगा। एग्जाम्पल के लिए समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ मुझे आउटपुट मिल के आया, और इसका वोल्टेज जो है वो इसका, इसको मैंने मेजर किया, और ये बफर एम्पलीफायर के थ्रू पास किया। बफर एम्पलीफायर का काम क्या होता है, बफर एम्पलीफायर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, जनरली इनपुट आउटपुट को मैच करने के लिए। तो ये जो भी मेरा आउटपुट आया, एग्जांपल के लिए 5 वोल्ट मेरा जो आउटपुट आया, उसको हमने क्या किया, इसको हमने दिया इधर पास करते हुए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, क्योंकि ये सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल है, आई जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू हमने पास किया। रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता कि कितना है, आर है रेजिस्टेंस, ये करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 mA है, है ना, ये मुझे पहले से पता है। ओके, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है, रेजिस्टेंस अननोन है। और यहाँ पे पास करने के बाद एनालॉग, इसको क्या करते हैं, हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। डिकेड काउंटर, ये काउंटर एक तरीके से, डिकेड काउंटर का मतलब है कि 10 तक काउंट कर सकता है, डिकेड मतलब दहाई। तो ये डिकेड काउंटर यहाँ पे लगा हुआ, ये इसने काउंट किया। तो मान लीजिए कि ये जो इसको कन्वर्ट करने के बाद इसने इस तरीके से डिजिटल पल्स में कन्वर्ट हो गया, और डिजिटल पल्स इसने 5 काउंट किया, और इसमें इसने क्या दिखाया,
इस तरीके से। अब ये जो पांच काउंट हुआ तो इसका मतलब है कि 5 वोल्ट है। अब इस 5 वोल्ट को और इनपुट करंट कितना है आपके पास, 5 मिली एम्पियर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आई हो जाएगा ना। तो वी बाई आई, वी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 5 वोल्ट आई है, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 पल्सेस के तौर पे आ रहा है। तो 5 और डिवाइड बाई आई की वैल्यू आपकी 5 मिली एम्पियर है। तो इस तरीके से इंटरनल कैलिब्रेशन के थ्रू आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलो ओम। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो आपने रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस था वो कितना है, 1 किलो ओम के अराउंड है। ये जो जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो आपका इंटरनली होगा, इंटरनल कैलिब्रेशन के थ्रू ये चीजें ऑलरेडी करके रखा गया है। तो ये रियल टाइम में ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ऑलरेडी ये हो रहा है। तो जो भी मैं यहाँ पे करंट पास करूंगा, कांस्टेंट करंट सोर्स, वो मेरे मुझे नोन है, अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। ये जो भी आउटपुट आएगा वो एम्पलीट्यूड के टर्म में आएगा। ये बफर एम्पलीफायर उसको जो है वो इम्पीडेंस मतलब आउटपुट के साथ इसको मैच करेगा इसके साथ। और ये एनालॉग जो कन्वर्टर है, क्योंकि ये सिग्नल हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। डिकेड काउंटर उसको जो है वो नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करके और फिर इसको डिजिटल टर्म में, यहाँ पे कैलकुलेशन ओवर ऑलरेडी हो चुका है, एंड देन डिजिटल डिस्प्ले के में यहाँ पे दिखाएगा। कब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये नॉब को नंबर 1 पे रखा। अब मैंने क्या किया, नॉब यहाँ से हटा के, ये मेरी ग्रीन वाली लाइन को देखे, ये नंबर 1 पे था। अब मैं नॉब को यहाँ से हटा के और क्या कर रहा हूँ, मैं सेकेंड पोजिशन पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि आई एम गोइंग टू टेक इट एज द पोजिशन हियर AC पे, सेकेंड नंबर पे। जब सेकेंड नंबर पे नॉब पे रखूंगा तो अब यहाँ पे करंट मेजरमेंट ना होके क्या मेजरमेंट होगा, वोल्टेज, AC वोल्टेज मेजरमेंट होगा। तो AC वोल्टेज मेजरमेंट यानी कि AC वोल्टेज के लिए वोल्टेज के एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो पॉजिटिव पे ये हमारा इनपुट प्रोब है। इनपुट प्रोब का मतलब जो मल्टीमीटर के 2 पॉइंट होते हैं, रेड एंड ब्लैक, तो ये प्लस एंड ये माइनस। तो इसको हम पॉजिटिव के एसी जो वोल्टेज है उसके प्लस पे और इसको माइनस पे हम उसको टच कराएंगे, है ना। तो टच कराने के बाद क्या होगा, ये जो भी वोल्टेज उसके क्रॉस होगा वो एसी अटेन्यूएटर या कंपनसेटेड अटेन्यूएटर के थ्रू पास करेगा। जनरली बहुत सारे बुक में, बहुत सारे हर जगह ऑलमोस्ट कंपनसेटेड दिया गया है, लेकिन उसे शॉर्ट में या इजी तरीके से हम एसी अटेन्यूएटर भी बोल सकते हैं। अटेन्यूएटर का काम ऑलरेडी हमें पता है, डिजिटल वोल्टमीटर में पढ़ा था हमने, ये सिग्नल की वैल्यू को रिड्यूस करता है इफ इट इज इन द आउट ऑफ द रेंज और बिना वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट किए। मान लो कि एसी सिग्नल इस तरीके से है, इसकी रेंज काफी ज्यादा है, इसको क्या करेगा, इसको मेजरेबल रेंज में यानी कि रिड्यूस करके रेंज में लेके आएगा, लेकिन वेवफॉर्म एज इट इज रहेगा, ये रिड्यूस नहीं होगी। और तो ये एसी अटेन्यूएटर इसको अटेन्यूएट किया और इसको, क्योंकि ये एसी है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जहां जहां भी एसी टर्म होगा वो रेक्टिफायर के थ्रू जाएगा, क्योंकि सबको हमें क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डीसी आ गया, यानी कि पूरी ये जो लाइन है ये डीसी की लाइन है, यहाँ तक ये पूरी लाइन डीसी की है ना। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो डीसी आएगा, तो ये डीसी आया। इसके बाद फिर से ये क्या होगा, एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट जो है वो पल्सेस के तौर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पल्सेस जो है डिजिटल काउंटर या डिकेड काउंटर काउंट करेगा और डिजिटल डिस्प्ले में दिखा देगा। सिमिलरली एसी करंट की तरफ जाते हैं। अब एसी करंट को मेजर करने के लिए अब मेरा जो ये नॉब है वो पॉइंट नंबर 3 पे हो जाएगा, थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पॉइंट पे ले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये एसी करंट है तो करंट मेजर करने के लिए मुझे इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करंट का एक पॉइंट, एक सोर्स पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे रखा नॉब का, इसको इनपुट प्रोब बोलते हैं, और रोटरी स्विच का पोजिशन हमने 3 पे कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो करंट एसी जिसके क्रॉस करंट, जो अननोन करंट मेजर करनी है, वो एक ब्लॉक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के थ्रू पास करेगा। ऐसे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन जो है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट मच मैंडेटरी। तो ये समझ लीजिए कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है, जो वो करंट, जो करंट मेजर कर रहे हैं उसको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और क्योंकि ये एसी है तो ये जो भी इसका आउटपुट आएगा वो किसके थ्रू जाएगा, रेक्टिफायर को जाएगा। रेक्टिफायर इसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अगेन ये चला गया एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर को, फिर डिकेड काउंटर उसको काउंट किया पल्स में, क्योंकि पल्स में कन्वर्ट हो गया, ये एनालॉग जो फॉर्म था वो पल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये काउंटर उसको काउंट कर लिया और डिजिटल डिस्प्ले ने उसको डिस्प्ले कर दिया।
एक्चुअली यहाँ समझने वाली बात यह है कि जितने भी करंट टर्म्स होंगे वो क्या करेंगे, वोल्टेज में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ करंट ही नहीं, देखो रेजिस्टेंस को भी हम फाइनली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वोल्टेज का मतलब ये हो गया कि जनरली जो हम वेवफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हमें करंट को में मेजर करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, परेशानी होती है, इसीलिए जितने भी यहाँ पे मेजरमेंट हैं उन सबको इस ब्लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि और ये एम्पलीट्यूड जो है वो इजिली यहाँ पे एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पल्स के फॉर्म में। बैक एंड पे हम कैलकुलेशन करके अगेन इसको जो है, अगर करंट मेजर करना है तो करंट, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज, एंड रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और जो भी नंबर ऑफ पल्सेस आएगा उसको हम काउंट करके और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में दिखा देंगे। तो सिमिलरली अगर मुझे डीसी करंट मेजर करना है तो करंट को, क्योंकि ये डीसी है तो ये रेक्टिफायर के थ्रू पास नहीं करेगा, ये इनपुट जो प्रोब्स हैं ये प्लस है माइनस पे रहेंगे, ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर को जाएगा क्योंकि ये वापस वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, और ये क्योंकि ऑलरेडी ये डीसी में है तो मुझे इसको डीसी रेक्टिफायर के थ्रू पास करने की जरूरत नहीं है, और फिर से ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, इसको पल्स में कन्वर्ट करेगा, पल्स डिजिटल काउंटर द्वारा काउंट होगा और डिजिटल डिस्प्ले में इसको डिस्प्ले हो जाएगा, दिखा देगा। एंड फाइनली डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नो प्रॉब को हमें 5 नंबर पर रखना पड़ेगा, और जैसे मैं 5 वोल्ट पे इसको रखूंगा, मतलब 5 पे रखूंगा, तो जो मेरा अब इसका मतलब है कि 5 पे रखने के साथ ही सिर्फ डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो डीसी वोल्टेज जब हमने मेजर करना शुरू किया तो क्योंकि ऑलरेडी ये वोल्टेज है सो किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे अटेन्यूएटर के थ्रू पास करना पड़ेगा, जिसे डीसी अटेन्यूएटर या कंपनसेटेड अटेन्यूएटर बोलते हैं। ऑलरेडी डीसी में है तो रेक्टिफायर के भी थ्रू पास नहीं करेगा, डायरेक्टली जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसे कन्वर्ट कर लेगा डिजिटल फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में, एंड ये जो है नंबर डिकेट काउंटर काउंट करेगा और डिजिटल डिस्प्ले उसको दिखा देगा। ये एक सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल मल्टीमीटर का। अगर आप बहुत सारे बुक रेफर करोगे उसमें ढेर टाइप के डायग्राम आपको दिए हुए हैं, मिल जाएंगे बहुत सारे डायग्राम, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये डायग्राम जो है वो काफी इजी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे। और लिखना या याद कैसे करना है या ध्यान पे कैसे रखना है, मैं सिंपल वर्ड में बता दे रहा हूँ आपको। आपके पास मेजर करने के लिए तो आपको पता ही है कि रेसिस्टेंस, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, ऑर्डर कोई भी किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, जरूरी नहीं है याद करना कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। बस ये आपको ध्यान रहेगा कि जहां रेसिस्टेंस रखेंगे वहां पे मुझे करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स रखना है, तो एक ब्लॉक करंट कांस्टेंट करंट सोर्स का है, इसके बाद एक ब्लॉक बफर एम्पलीफायर का है, एक ब्लॉक रेक्टिफायर का है, और ये तीनों ब्लॉक सब में कॉमन है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि ए टू सी, ए टू डी, इसके बाद काउंटर, अगर डिकेड आपको नहीं ध्यान पड़ेगा तो सिर्फ काउंटर लिख सकते हो, एंड देन डिजिटल डिस्प्ले। तो ये इतने सारे जो ब्लॉक हैं वो क्या है, कॉमन है, ये ब्लॉक को हमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब आते हैं रिमेनिंग, जहां भी वोल्टेज होगा, जहां भी वोल्टेज मेजर होगा, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, उसमें सिर्फ आपको अटेन्यूएटर लगाना है। तो अगर एसी वोल्टेज है तो एसी, अगर आपको एसी और डीसी लिखने में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट दोनों में एक फिक्स ब्लॉक रख लो, कंपनसेटेड अटेन्यूएटर, ठीक है। तो कंपनसेटेड अटेन्यूएटर दो हो गए, जहां भी वोल्टेज हम यूज किए वहां पे कंपनसेटेड अटेन्यूएटर लगा दिए, और जहां करंट यूज किए वहां करंट टू वोल्टेज में कन्वर्टर लगा दिए, ओके। ये हो गया कंप्लीट। अब बचा जो एसी है, यानी कि जो करंट के लिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, वोल्टेज के लिए अटेन्यूएटर, जहां पे एसी मेजरमेंट है, जहां पे एसी सिग्नल है, वो एसी को क्या कर देंगे हम, रेक्टिफायर से पास कर देंगे। दैट्स इट, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। सिंपल, बहुत ही आसान। और इसको लिखने के लिए आपको क्या, आप लोग क्या करना, ब्लॉक वाइज नहीं लिखना, आपको लिखना मेजरमेंट वाइज, यानी कि पहला लिखना एसी रेसिस्टेंस मेजरमेंट, सबसे पहले आप लिख देना रेसिस्टेंस मेजरमेंट। रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले लिखेंगे कि रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कांस्टेंट करंट, सबसे पहले नॉब जो होगा यानी कि रोटरी स्विच का पोजीशन जो होगा वो नंबर वन पे होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद एक कांस्टेंट करंट सोर्स होगा, ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो हो रेसिस्टेंस के थ्रू पास करेगा। नॉब जो होगा ये मतलब इनपुट प्रोब जो होगा वो रेसिस्टेंस के एक दोनों अक्रॉस होगा, यानी कि प्लस वाला इधर रखें या माइनस वाला इधर रखो, ये बाइपोलर
ये डिवाइस जो होती है पॉलिटी इसमें नहीं होती है, तो इसलिए आप कैसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस के थ्रू मेजर किया सेकेंड लाइन में। पहले लाइन में लिखा हमने कि नॉब नॉब जो होगा इनपुट प्रोब जो होगा वो पॉइंट रोटरी स्विच का पॉइंट फर्स्ट पे होगा, नॉब जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, ये कांस्टेंट तीसरे पॉइंट में कांस्टेंट करंट सोर्स होगा जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, चौथे पॉइंट में जो रेजिस्टेंस के थ्रू कांस्टेंट करंट पास करेगा वो जो सिग्नल आएगी वो बफर एम्पलीफायर के थ्रू पास करेगी, और इसका जो आउटपुट होगा वो डीसी आउटपुट होगा क्योंकि डीसी कांस्टेंट करंट सोर्स हमने लिया हुआ है, और ये जो है वो बाकी ये तीन ब्लॉक यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिकेड काउंटर और डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू पास करेगा, जहां पे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिकेड काउंटर उसको काउंट करेगा और डिजिटल डिस्प्ले उसको डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली सेकंड सेकंड नंबर पे आपको क्या लिखना है, एसी वोल्टेज के बारे में, तो आप लिखोगे एसी वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है। एसी वोल्टेज मेजरमेंट लिखोगे उसमें क्या करोगे, बोलोगे कि मेरा रोटरी स्विच का पोजीशन नंबर टू पे होगा, नॉब जो होगा वो वोल्टेज के क्रॉस होंगे इनपुट प्रोब का वोल्टेज, तीसरे नंबर पे ये जो एसी वोल्टेज मेजरमेंट सिग्नल जो है वो एसी अटेन्यूएटर या कंपनसेटर अटेन्यूएटर के थ्रू पास करेगी, चौथे पॉइंट में क्योंकि ये एसी वोल्टेज है तो रेक्टिफायर के थ्रू पास करेगा, रेक्टिफायर इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये तीनों कॉमन पॉइंट लिख देना है एक साथ, ओके। तो इस तरीके से आपको इस ब्लॉक का जो एक्सप्लेनेशन है यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ब्लॉक वाइज ना लिख के मेजरमेंट वाइज लिखना है, पहला रेसिस्टेंस मेजरमेंट, एसी वोल्टेज मेजरमेंट, एसी करंट मेजरमेंट, डीसी करंट मेजरमेंट एंड डीसी वोल्टेज मेजरमेंट, तो सबके बारे में तीन तीन चार चार पॉइंट अगर लिखोगे तो आपका मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और एग्जामिनर भी अच्छे से इम्प्रेस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, थैंक यू।